नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज हम जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रही है इंडिया की टॉप 5 टी फ्रेंचाइजी कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 टी फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के बारे में। इन टॉप 5 कंपनियों के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी बात हम टी यानी चाय के बारे में बात कर लेते हैं। चाय इंडिया में पिया जाने वाला सबसे ज्यादा लोकप्रिय पेय है और चाय को किसी भी वक्त किसी के साथ भी पिया जा सकता है। दोस्तों के साथ पिया जा सकता है, ऑफिस में कलीग के साथ में पिया जा सकता है, रिलेटिव के साथ में पिया जा सकता है, क्लाइंट के साथ में पिया जा सकता है, कस्टमर के साथ में पिया जा सकता है, टेंशन में पिया जा सकता है, सोचते समय पिया जा सकता है, दिन में पिया जा सकता है, रात में पिया जा सकता है। मतलब इंडियंस को चाय की लत है। जैसे कॉफी में भी अलग अलग टाइप की वैरायटीज आती है, वैसे चाय में भी अलग अलग टाइप की वैरायटीज आती है, जैसे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, मिल्क टी। अब दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि इन चाय की वैरायटीज में से आपको कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो दोस्तों इंडिया में चाय के बिजनेस का बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसको थोड़ी सी जगह में और कम इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सकते हैं। तो इंडिया में आप चाय के बिजनेस को दो तरीकों से स्टार्ट कर सकते हो, पहला अपना खुद का स्टॉल डाल के या दूसरा किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया की टॉप 5 टी फ्रेंचाइजी कंपनीज के बारे में। तो जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आप चाय के बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी आउटलेट लें। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस के बाद में आप अपना खुद का भी आउटलेट ओपन करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी आउटलेट लेकर ओपन करना चाहते हैं तो आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है लोकेशन। आपका आउटलेट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा हो। ऐसी जगहों में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कमर्शियल प्लेसेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह जगह आती है। तो आप जहाँ कहीं पे भी आउटलेट ओपन करना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया होना चाहिए ताकि आपको ज्यादा फुटफॉल मिल सके, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ सके और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सके। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज के बारे में। लोगों को आजकल हर चीज में वैरायटीज देखना पसंद है, तो आपको आपके आउटलेट पे भी बहुत सारी वैरायटी रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से लोग आपके यहाँ पे आएंगे और अलग अलग वैरायटी को ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से आपका फुटफॉल बढ़ेगा। इसमें तीसरी चीज आती है हाइजीन। हम नॉर्मल चाय वाले के पास में जाते हैं तो वो इतनी ज्यादा हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन आजकल जितनी भी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करने वाली चाय की कंपनियां हैं तो वो हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से भी चाय की फ्रेंचाइजी के आउटलेट की डिमांड बढ़ी है। तो आपके आउटलेट पे भी आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी, जिसकी वजह से कस्टमर आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब चौथी चीज के बारे में बात करते हैं। तो चौथी चीज है डॉक्यूमेंट्स। आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तभी ये कंपनी आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करेगी। आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में एफएसएसआई का लाइसेंस होना चाहिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कंपनी फ्रेंचाइजी लेने के टाइम पे बताने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की टॉप 5 टी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के बारे में। इसमें से सबसे पहली कंपनी है चाय सुट्टा बार। इस कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई थी। इस कंपनी के पूरी इंडिया में 200 से भी ज्यादा आउटलेट है। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो आपके पास कम से कम 300 से लेकर 400 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए और आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 15 लाख रुपए होने चाहिए। अब 15 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए इनकी फ्रेंचाइजी फीस होती है और मशीनरी इन इक्विपमेंट्स के लिए आपका कम से कम 3 लाख रुपया लगने वाला है। आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और आउटलेट ओपन करते हैं तो आउटलेट का इंटीरियर और फर्नीचर का कॉस्ट आएगा आपको अराउंड 4-5 लाख रुपए के आसपास और इनिशियली आपके पास में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल 15 लाख के आसपास में जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में 2-3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए ताकि आप उससे रोज के एक्सपेंसेस को भी निकाल सको। और ये कंपनी 5 साल का एग्रीमेंट बनाती है, इस एग्रीमेंट को आप रिन्यू भी कर सकते हो। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन 35-40% मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपका आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 14-18 मंथ्स में हो जाएगा। ये कंपनी 2% रॉयल्टी भी लेती है, मतलब आपका जो भी ग्रॉस अमाउंट होगा उसका 2% ये अपना रॉयल्टी चार्ज करते हैं। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको कम से कम 2-3 मैन पावर लगने वाले हैं। अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं और क्राउडेड एरिया में आपका आउटलेट ओपन करते हैं तो आप आराम से 1-1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की कंपनी के बारे में। दूसरी कंपनी का नाम है येवले अमृत तुल्य। इस कंपनी की शुरुआत वैसे तो 1983 में हुई थी, लेकिन इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल 2017 में स्टार्ट किया है। तो अभी तक इस कंपनी के 30 से ज्यादा आउटलेट हैं और ये ईयर खत्म होते होते 100 से ज्यादा आउटलेट और भी ये ओपन करने वाले हैं। इस कंपनी की भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास कम से कम स्पेस होनी चाहिए 250-300 स्क्वायर फीट की। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी आउटलेट लेने के लिए आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 12-13 लाख रुपया, जिसमें से इनकी फ्रेंचाइजी फीस है 3 लाख रुपया और आप आउटलेट बनाते हैं तो उसका इंटीरियर और फर्नीचर का कॉस्ट आ जाएगा अराउंड 4 लाख रुपए के आसपास में और मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए लगेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए के आसपास। और आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और आउटलेट ओपन करते हैं तो आसपास के एरिया में एडवर्टाइजिंग कराने के लिए
आपका लगभग जाएगा 1.5 लाख रुपए के आसपास। तो इस तरीके से ये हो जाता 12 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास में 2 से 3 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को 2 से 3 महीने आराम से रन कर सकें। अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं और आउटलेट ओपन करते हैं तो आपको पर मंथ प्रॉफिट होने वाला 1 लाख रुपए के आसपास। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15 से 18 महीने का। तो ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की फ्रेंचाइजी के बारे में। तीसरे नंबर की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है हमें चाय गरम कंपनी। चाय गरम कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी। इस कंपनी की पूरी इंडिया में 150 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं। ये कंपनी 4 से 5 टाइप की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इस कंपनी में स्पेस की रिक्वायरमेंट 50 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट की होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। इनकी एक फ्रेंचाइजी होती है इंडोर कियोस्क, जो मोस्टली आपको मॉल में मिलेगी। दूसरे टाइप की फ्रेंचाइजी में ये आउटडोर कियोस्क की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये क्राउडेड एरिया में अपना आउटलेट ओपन करते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास में, कॉर्पोरेट पार्क, यूनिवर्सिटीज, बस स्टॉप वगैरह वगैरह। इनका तीसरा टाइप है रिटेल आउटलेट, जिसमें कि ये रिटेल शॉप को ओपन करते हैं। और इनका चौथा टाइप है शॉप इन शॉप, इसमें जैसे हाइपरमार्ट होते हैं, सुपरमार्ट होते हैं, उसके अंदर आप एक छोटा सा शॉप ओपन कर सकते हैं। इनका पांचवा टाइप है मोबाइल कार्ट और छठा टाइप है माइक्रो एटीएम कियोस्क। तो इस तरीके से ये 5 से 6 मॉडल प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपको अलग अलग स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। चाय गरम कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसका इन्वेस्टमेंट भी वेरी करता है इनके मॉडल के हिसाब से। तो इनका इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में। इनकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको इनको रॉयल्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इनकी रॉयल्टी चार्जेस है 4%, आपका जो भी ग्रॉस सेल होता है उसका 4% आपको इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप चाय गरम कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते और इनका आउटलेट ओपन करते हैं तो इनका ROI है 6 से लेकर 11 महीने के बीच में, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 6 से 11 महीने का। ये कंपनी आपके साथ में 7 साल का एग्रीमेंट करती है, उसके बाद में आप एग्रीमेंट को रिन्यू भी कर सकते हैं। इस कंपनी में 20 अलग अलग टाइप की चाय को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और इनके साथ जुड़ते हैं तो आप भी इन अलग अलग टाइप की चाय को बेच पाएंगे। दोस्तों मैं आपको इस कंपनी के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये कंपनी अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा चाय के कप बेच चुका है। तो दोस्तों ये कंपनी भी बहुत फेमस है, तो आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और इनके साथ जुड़ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथी कंपनी के बारे में। चौथी कंपनी है टी पोस्ट। टी पोस्ट कंपनी की शुरुआत राजकोट में 2013 में हुई थी। इनके पूरी इंडिया में 180 से भी ज्यादा आउटलेट है और ये भी फ्यूचर में बहुत सारी सिटीज में एक्सपांड करना चाह रहे हैं। टी पोस्ट कंपनी के 180 से भी ज्यादा टी कैफे हैं जो अलग अलग 33 सिटीज में है। इन्होंने अभी तक मेजरली 4 स्टेट को कवर किया जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और MP आता है। इस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास कम से कम 120 से लेकर 400 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। टी पोस्ट कंपनी भी अलग अलग टाइप की 20 तरह की चाय प्रोवाइड करता है। अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो आप भी इन टाइप की चाय प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसमें से इनका फ्रेंचाइजी फीस है 2.5 लाख। इनका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1 लाख रुपया और मैं अदर एक्सपेंसेस की बात करूं तो अराउंड हो जाता है 12.5 लाख रुपए के आसपास। तो इसमें आपका टोटल 15 लाख रुपए के आसपास में लगने वाला है। इसके अलावा आपके पास में 2 से 3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए जिससे आप अपने आउटलेट को 2 से 3 महीना आसानी से रन कर सको। अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको इनको 5% की रॉयल्टी प्रोवाइड करनी होगी जो ग्रॉस अमाउंट का 5% होता है। तो दोस्तों ये भी वन ऑफ द बेस्ट टी फ्रेंचाइजी कंपनी है, आप इनके साथ में भी जुड़ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवी और लास्ट कंपनी के बारे में। पांचवी कंपनी है चाय ठेका। इस कंपनी की भी शुरुआत 2018 में हुई थी। चाय ठेका कंपनी की फ्रेंचाइजी में 2 टाइप के मॉडल है, एक है कियोस्क मॉडल और दूसरा है डाइन मॉडल। अगर आप कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास में एरिया होना चाहिए अप टू 250 स्क्वायर फीट और अगर आप डाइन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास कम से कम एरिया होना चाहिए अप टू 500 स्क्वायर फीट। अगर आप कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास में कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 8 से 10 लाख रुपए का और अगर आप डाइन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 12 से 15 लाख रुपए का। चाय ठेका कंपनी की फ्रेंचाइजी आउटलेट पूरी इंडिया में 15 से भी ज्यादा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन करने वाले हैं। अगर आप चाय ठेका की फ्रेंचाइजी आउटलेट लेते हैं तो आपके पास कम से कम 2 से लेकर 5 वर्कर की जरूरत पड़ने वाली है। ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, आप इनके साथ भी जुड़ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 5 कंपनियां जिनके साथ जुड़कर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में इनकी फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो कंपनियां चाय बेचती है तो मिनिमम 10 रुपए का बेचती है लेकिन एक चाय बनाने का जो कॉस्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2 रुपया। तो चाय के बिजनेस में बहुत अच्छा खासा मुनाफा है और साथ ही साथ आप इन 5 कंपनियों में से किसी भी की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं और आउटलेट ओपन करते हैं तो आप चाय के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जैसे कि मिल्क शेक, बिस्किट और फास्ट फूड आइटम, वो भी आप अपने आउटलेट पे अच्छे से बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं कि इन 5 कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस कंपनी का जरूर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।